हेलो नमस्कार दोस्तों, वापस से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं विनिंग प्रोडक्ट के बारे में, और विनिंग प्रोडक्ट क्या होता है इसके बारे में मैंने पहले भी बता दिया है, लेकिन अगर आपको नहीं पता तो विनिंग प्रोडक्ट दोस्तों एक ऐसा प्रोडक्ट होता है जो कि हमारी वेबसाइट में लिस्ट होकर ड्रॉपशिपिंग स्टोर पर शॉपिफाई वेबसाइट पर, और वो प्रोडक्ट हमें काफ़ी अच्छा खासा एक तरह से सेल ला करके देता है। तो हम लोग बहुत सारा प्रोडक्ट टेस्ट करते हैं और उसमें से एक प्रोडक्ट ऐसा होता है जो बहुत तगड़ा एक तरह से बिकता है मार्केट में, तो हम लोग उसको अपना विनिंग प्रोडक्ट मान लेते हैं। तो उस प्रोडक्ट को रिसर्च करने में भी बहुत सारे प्रोडक्ट रिसर्च करने पड़ते हैं। तो प्रोडक्ट रिसर्च कैसे किया जाता है और हम अपना विनिंग प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, कितने उसके तरीके होते हैं, मैं आपको यहाँ पर इस वीडियो के अंदर सब कुछ प्रैक्टिकली समझाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। और मैं जो भी तरीका आपको बताऊँगा, फ्री तरीका बताऊँगा, पेड तरीके भी होते हैं, पेड सॉफ्टवेयर आते हैं, टूल्स आते हैं जिनसे आप विनिंग प्रोडक्ट रिसर्च कर सकते हैं, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे आपको 4 से 5 तरीके बताऊंगा और पांचों के पांचों प्रैक्टिकली मैं आपको स्क्रीन पे बताने वाला हूँ, कंप्यूटर के स्क्रीन पे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, आप आसानी से पा जाएंगे अपना विनिंग प्रोडक्ट। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और बारी बारी से एक एक स्टेप के बारे में सारी चीज़ें समझते हैं। तो गाइज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुके हैं और यहाँ पे सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र टाइप करना है और यहाँ पे आपको सिंपली अमेज़ॉन टाइप कर देना है, amazon.com या amazon.in, ठीक है। और उस पर हम लोग कैसे प्रोडक्ट रिसर्च करने वाले हैं इसके बारे में आपको यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ से भी आप प्रोडक्ट आइडिया ले सकते हैं, अगर आपको कोई प्रोडक्ट बहुत अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है हाँ ये मार्केट में चल सकता है, तो आप यहाँ से आराम से चूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे ये जितने भी आपको दिख रहे हैं, इसमें से ज़्यादा जो ड्रॉपशिपिंग प्रोडक्ट एक तरह से हैं, ये सब प्रोडक्ट काफ़ी अच्छे बिकते हैं। यहाँ से अगर आप शू बेचना चाहते हैं, शू भी बिकेगा। तो मतलब मिला जुला करके कहने का मतलब है कि यहाँ पे भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जिनसे आप अपना ड्रॉपशिपिंग स्टोर एक तरह से शुरू कर सकते हैं और यहाँ से प्रोडक्ट चूज कर सकते हैं बहुत आसानी से। ये तो मतलब फ्री तरीका हो गया ऐसे ही, बट इसमें से भी अभी और भी बहुत सारे तरीके हैं कि अमेज़ॉन से और बेहतर तरीके से हम लोग कैसे प्रोडक्ट रिसर्च करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे प्रोडक्ट का आइडिया आपको यहाँ से मिलता जाएगा कि कौन से जो प्रोडक्ट हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बिक रहे हैं। यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी मिल रही है, ठीक है। मेंस के लिए अगर आप क्लॉथिंग में शुरू करना चाहते हैं तो वहाँ पर वो चीज़ मिल जाएगी। और ये तो मतलब इसमें जितने प्रोडक्ट आते हैं उसके बारे में आ गया। अब यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे ध्यान देना है। यहाँ पे जब आप 3 लाइन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे बेस्ट सेलर आता है, ठीक है, और न्यू रिलीज। बेस्ट सेलर का मतलब क्या है कि जो अभी अमेज़ॉन पे काफ़ी अच्छा बिक रहा है उसको हम बेस्ट सेलर एक तरह से बोलते हैं, और उस कैटेगरी में जितने भी प्रोडक्ट आते हैं वो मान के चलिए कि एक तरह से ई कॉमर्स स्टोर पर, ड्रॉपशिपिंग स्टोर पर काफ़ी अच्छा सेल ला करके देते हैं। तो अमेज़ॉन का बेस्ट सेलर इस टाइम पर ये जो चीज़ें आप देख रहे हैं, अगर आप एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक लाइन में हैं तो वो सारी चीज़ें हैं, और यहाँ पर अगर आप क्लॉथिंग में जा रहे हैं तो ये एक तरह से बेस्ट सेलर होने वाली हैं। और यहाँ पे अमेज़ॉन खुद इस चीज़ को अलग से क्लियर करके देता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक प्रोडक्ट है किड्स, जो एक तरह से होते हैं किड्स प्रोडक्ट, वो काफ़ी अच्छा सेल ला करके देते हैं। तो अगर आप टॉयज बेच रहे हैं, गेम्स बेच रहे हैं, तो काफ़ी बढ़िया चलता है, और वो चाहे मार्केट हो या ना हो, लेकिन ये जो चीज़ें हैं हमेशा बिकती रहती हैं किड्स से रिलेटेड। तो अगर आप ड्रॉपशिपिंग स्टोर अपना शुरू करें, तो मैं यहाँ पे आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ कि अगर आपका प्रोडक्ट कोई चल नहीं रहा है, 4 से 5 प्रोडक्ट आपने ट्राई कर लिया है, तो आपको बेबी प्रोडक्ट में जाना चाहिए, ठीक है। आपको वहाँ पे खिलौने ट्राई करना चाहिए या बेबी से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट होते हैं उसको आपको जब आप ट्राई करते हैं तो 90% संभावना है कि आपका जो स्टोर है वो काफ़ी अच्छा रन होगा, काफ़ी अच्छा चलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कार मोटर बाइक के रिलेटेड, और यहाँ पे ये जो चीज़ दिख रही है आपको कार एक तरह से साफ़ करने वाला, ये भी काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है और ये भी बेस्ट सेलर प्रोडक्ट इस टाइम पर चल रहा है कार और मोटर बाइक के लिए। तो यहाँ से आप प्रोडक्ट रिसर्च अपना कर सकते हैं अमेज़ॉन से, और ये हमारा पहला तरीका हो गया है। अलग अलग कैटेगरी भी बनी हुई है, तो अगर आपका कोई स्टोर किसी पर्टिकुलर निच कैटेगरी में है तो उस कैटेगरी से रिलेटेड अगर आपको प्रोडक्ट सर्च करना है तो वो आप यहाँ पे डाल के सर्च कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे ये बेबी केयर का प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे बेबी केयर से रिलेटेड सारी चीज़ें आ चुकी हैं। तो ऐसे ऐसे आपको यहाँ से जो भी डालना चाहें आप, अलग अलग चीज़ें मिल रही हैं, ठीक है, स्किन से रिलेटेड, हेल्थ, ब्यूटी, मतलब आपका निच, आपका जो भी कैटेगरी हो, जिस भी कैटेगरी का आपने स्टोर अपना शुरू किया है उस कैटेगरी का यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं चीज़ों को, और वहाँ से प्रोडक्ट रिसर्च अपना करके इसी टाइप का प्रोडक्ट अपने स्टोर पे आप लगा करके वहाँ से काफ़ी अच्छी सेल ला सकते हैं। हमारा पहला तरीका हो गया। अब बात करते हैं अपने दूसरे तरीके की। तो दूसरा तरीका सिंपल है कि आपको यहाँ पे जाना है facebook.com पे, ठीक है। facebook.com पे जा करके भी आप मतलब फेसबुक से भी सर्च कर सकते हैं, लेकिन ये जो सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, फेसबुक के एक अलग एक तरह से फेसबुक एड लाइब्रेरी है, फेसबुक का ही पार्ट है, और फेसबुक एड लाइब्रेरी के अंदर जितने भी एडवर्टीजमेंट रन किए जाते हैं फेसबुक के प्लेटफॉर्म के ऊपर, वो सभी ऐड के बारे में आप यहाँ से जान सकते हैं। तो कंट्री इंडिया सेलेक्ट है, ऐड कैटेगरी में ऑल ऐड पे हम लोग क्लिक करने वाले हैं, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कीवर्ड डालना होता है, और ये एक ऐसा ज़बरदस्त टूल है ना, यहाँ पे जितने भी फेसबुक पे ऐड रन होंगे वो सभी के सभी ऐड यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से, और उसके बारे में पूरा नॉलेज ले सकते हैं। तो यहाँ पे कोड एक तरह से डालना होता है, कीवर्ड डालना होता है। तो ड्रॉपशिपिंग प्रोडक्ट में ज़्यादा से ज़्यादा जो कीवर्ड यूज़ किया जाता है वो या तो हम लोग बहुत ज़्यादा ऑफ मतलब छोड़ देते हैं, तो 50% ऑफ पे हम लोग क्लिक करके देख लेते हैं,
वहाँ से भी बहुत सारे प्रोडक्ट के बारे में आ जाएगा, या फ्री डिलीवरी हम लोग डाल करके भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आप सर्च करिएगा तो 50% ऑफ करके सर्च करिएगा, क्योंकि ड्रॉपशिपिंग स्टोर के ऊपर ये ज़्यादा चीज़ें लिखी जाती हैं 50% ऑफ करके। तो यहाँ पे अब आप देखेंगे कि इस कीवर्ड से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट के एडवर्टीजमेंट आपके सामने आ रहे हैं। और यहाँ से आप देख सकते हैं वो एडवर्टीजमेंट कब चालू हुआ है, ठीक है, कब से कब चल रहा है, और जो एडवर्टीजमेंट एक्टिव है ज़्यादा से ज़्यादा वो जो वो समझ लीजिए काफ़ी बेहतर है। यहाँ पे आप देखेंगे एक तरह से ड्रॉपशिपिंग प्रोडक्ट है और इसका भी एडवर्टीजमेंट बहुत जल्दी शुरू हुआ है। तो आपको ये देखना है कि कम से कम 4 से 5 दिन एडवर्टीजमेंट पुराना होना चाहिए और एक्टिव रहे। तो अगर वो चीज़ एक्टिव हो तो ये समझ लीजिए कि वहाँ वो काफ़ी अच्छा सेल ला करके दे रहा है। तो यहाँ से भी आपको ड्रॉपशिपिंग प्रोडक्ट बहुत सारे मिल रहे हैं, और आप भी और सर्च करते जाइएगा तो यहाँ से और ज़्यादा आपको मिलेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे ये भी काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है ड्रॉपशिपिंग से रिलेटेड। तो इस तरह से प्रोडक्ट रिसर्च करिएगा अलग अलग कीवर्ड डाल करके, ठीक है। बेस्ट सेलिंग डाल सकते हैं आप, किड्स से रिलेटेड है तो किड्स डाल सकते हैं, मतलब अपने मन से आप कीवर्ड अपना अलग अलग डालते रहिएगा और यहाँ पे आपको चीज़ें मिलती रहेंगी। यहाँ पे नए नए एडवर्टीजमेंट जितने भी रन हो रहे हैं फेसबुक के प्लेटफॉर्म के ऊपर, वो सब कुछ आपको यहाँ से मिलता रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्लॉथ नीचे में आपको काफ़ी अच्छी चीज़ें यहाँ से देखने को मिल जाती हैं, ये सब काफ़ी अच्छा एक तरह से सेलिंग प्रोडक्ट है। तो फेसबुक एड लाइब्रेरी एक बहुत ज़बरदस्त टूल है, और अगर आप शुरू कर रहे हैं, आपके पास बजट नहीं है महंगे महंगे सॉफ्टवेयर अफोर्ड करने का, तो फ्री मेथड से भी आप प्रोडक्ट रिसर्च काफ़ी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लोग यहाँ पे फ्री डिलीवरी डालने वाले हैं अलग कीवर्ड। तो इस तरीके से अलग अलग कीवर्ड आप डाल करके सर्च करेंगे तो आपको और भी जानकारी मिलेगी और ज़्यादा एडवर्टीजमेंट आप देख पाएंगे और वहाँ से आइडिया ले पाएंगे कि मेरे लिए बेहतरीन विनिंग प्रोडक्ट कौन सा हो सकता है। तो ज़्यादातर हम लोग फ्री डिलीवरी देते हैं ड्रॉपशिपिंग स्टोर के ऊपर जो प्रोडक्ट होते हैं, तो ऐसा ही हमने यहाँ पे फ्री डिलीवरी दिया है। और उससे रिलेटेड यहाँ पे आप देखेंगे धीरे धीरे इस कीवर्ड से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट हैं वो आने लगे हैं। तो इसमें कई तरह के ऐड आ रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रोडक्ट के ही ऐड आ रहे हैं, कोई दुकान है उसका भी ऐड आ रहा है अलग अलग तरीके का। तो अगर आप और ज़्यादा स्पेसिफिक होना चाहते हैं तो यहाँ पे आप फ़िल्टर भी लगा सकते हैं। फ़िल्टर अभी मैं आपको लगा के बताता हूँ कि फ़िल्टर किस तरीके से लगाया जाता है। तो 50,000 अभी रेट दिख रहा है, तो यहाँ पे फ़िल्टर का ऑप्शन मिलेगा। फ़िल्टर पे लैंग्वेज आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं, प्लेटफॉर्म और कब से कब तक का आपको देखना है, और हमें एक्टिव ऐड देखना है तो एक्टिव हम लोग लगा देंगे। आप डेट भी सेलेक्ट कर सकते हैं कितने डेट का देखना है, और पिछला 10 दिन का आप देख के चलेंगे तब भी आपको विनिंग प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ़िल्टर लगा दिया हमने, और एक्टिव जो है वो एक्टिव ऐड अभी जितने भी हैं वो सब के सब यहाँ पे देखने को आपको मिल जाएंगे। तो ये हमारा फेसबुक ऐड लाइब्रेरी के माध्यम से भी हम लोग काफ़ी अच्छा यहाँ पे सर्च कर रहे हैं चीज़ों को। तो आप देखेंगे ये जो किड्स प्रोडक्ट है वो भी काफ़ी अच्छा चलता है यहाँ पे, शू ये भी ड्रॉपशिपिंग प्रोडक्ट हो सकता है। यहाँ पे ये देखिए बिल्कुल 100% ड्रॉपशिपिंग प्रोडक्ट ही है, काफ़ी अच्छा है। यहाँ से ऐड कॉपी आपको मिल जाएगा पूरा, आप कॉपी कर लीजिएगा, और यहाँ पे ऐड क्रिएटिव जो वीडियो होता है वो भी मिल जाता है, तो यहाँ से आप उसको भी सेव कर सकते हैं। आपको अपने मन से ढूंढने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। और अगर आप शुरू कर रहे हैं तो मैं आपको यहाँ पे सजेशन देता हूँ कि आप किड्स से रिलेटेड चीज़ों को लेकर शुरू करिए ड्रॉपशिपिंग स्टोर अपना, तो काफ़ी अच्छा चलता है और काफ़ी अच्छा खासा सेल आता है, नुकसान कम होता है। यहाँ पे देखिए ये टॉयज़ है, टॉयज़ में काफ़ी अच्छा एक तरह से है और इसमें काफ़ी ज़्यादा सेल आ सकता है आपका। यहाँ से और भी प्रोडक्ट है, मतलब प्रोडक्ट आप जितना देखेंगे उतना प्रोडक्ट आपको यहाँ पे मिलता रहेगा। अब बात करते हैं अपने अगले तरीके की, तो वो सीधे हम सप्लायर जो भी हमारा होने वाला है, चाहे रोबोट्स क्लाउड ले लीजिए, चाहे इंडिया मार्ट ले लीजिए, तो उस सप्लायर्स में सीधे वहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट देखेंगे। तो roboshoclad.com पे आपको जाना है, और यहाँ पे आपको बस अपने फ़ोन नंबर से यहाँ पे साइन अप कर लेना होता है, OTP आएगा, ठीक है, OTP पे क्लिक करेंगे और सिंपल अकाउंट यहाँ पे बन जाता है। बाद में आप सारा चीज़ सेटअप करिएगा, तो यहाँ पे मेरा पहले से बना हुआ, मैं यहाँ पे साइन इन कर लेता हूँ और यहाँ पे OTP में डाल करके वेरीफाई कर दे रहा हूँ। और अब यहाँ पे देखेंगे आप उसका डैशबोर्ड कुछ इस तरीके से खुलेगा roboshoclad का, और ये काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है, यहाँ से आपको सारे सेलर्स मिल जाएंगे और ये शॉपिफाई में काफ़ी अच्छे से इंटीग्रेट भी हो जाता है। अब यहाँ पे देखेंगे आपको बहुत सारे प्रोडक्ट मिलेंगे, और यहाँ से आप सिंपल एक क्लिक में सारे प्रोडक्ट अपने वेबसाइट पर लिस्ट कर सकते हैं पुश टू शॉपिफाई पर क्लिक करके। अलग अलग कैटेगरी इसके अंदर आपको मिल जाती है, किड से रिलेटेड, कार और जो भी जाना है, मतलब ब्यूटी से रिलेटेड अलग अलग एक्सेसरीज आपको मिलेंगे, ज्वेलरी में जाना है, किड्स में, वुमेन्स में, मेन्स में, और यहाँ पे जितने भी नए प्रोडक्ट आते हैं तो उनके लिए अलग सेक्शन यहाँ पे ओपन किया जाता है व्हाट्स न्यू करके, यहाँ से भी आप प्रोडक्ट चूज करिएगा। और मार्केट में भी जो ट्रेंडिंग प्रोडक्ट हैं उसकी यहाँ पे लिस्ट एक आपको बन के मिल जाती है, तो यहाँ से आप व्यू ऑल पे क्लिक करके यहाँ पे जो अभी ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है उसके बारे में आप यहाँ से नॉलेज ले सकते हो, और यहाँ से भी आप अपना एक विनिंग प्रोडक्ट चूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे उसका प्राइस आपको दिया रहेगा, उसके बाद आपको शॉपिफाई पे क्लिक करके और अपना प्राइस अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग बढ़ा करके अपनी वेबसाइट पे लिस्ट करना रहता है।
तो यहाँ पे आप देखेंगे बहुत सारे प्रोडक्ट आपको मिलेंगे। तो यहाँ से जो भी आपको ऐसा प्रोडक्ट लग रहा हो हाँ ये काफ़ी अच्छा चल सकता है या कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट है, तो उसको आप अपनी वेबसाइट पर लिस्ट कर सकते हैं और वहाँ से काफ़ी अच्छे तरीके से उसको सेटअप करके सेल ला सकते हैं। तो ये भी एक काफ़ी अच्छा असरदार तरीका है रोपोस्टो क्लाउड से सीधे यहाँ से आपको जो भी प्रोडक्ट चाहिए और ये जितने प्रोडक्ट आपको दिख रहे हैं ये आपकी वेबसाइट पे मिल भी जाएंगे। और ये एक तरह से रोपोस्टो क्लाउड एक सप्लायर का काम करता है, तो यहाँ से सारी चीज़ें मैनेज आपका हो जाएगा, ठीक है। आपका जो भी ऑर्डर आएगा ये रोपोस्टो क्लाउड खुद उसको सब कुछ सेव कर देगा। तो यहाँ पे जो आपको प्रोडक्ट मिलेंगे वो मान के चलिए वो आपके लिए बेहतर है और यहाँ से भी आपको सारी चीज़ें करनी है। इस तरीके से बहुत सारे सप्लायर है मार्केट में, इंडिया मार्ट भी एक वेबसाइट करके इंडिया मार्ट, वहाँ से भी चीज़ें मिल जाती हैं। लेकिन यहाँ पे रोपोस्टो क्लाउड से अगर आप स्टार्ट कर दें तो काफ़ी अच्छा है आपके लिए और काफ़ी अच्छा है इसका सारा प्रोसेस है। इसको मैंने पर्सनली यूज़ किया इसलिए मैं आपको यहाँ पे रिकमेंड कर रहा हूँ। और यहाँ पे हॉट सेलिंग प्रोडक्ट का एक सेक्शन आपको बनेगा, मतलब बना करके मिलेगा। तो हॉट सेलिंग प्रोडक्ट के अंदर क्या है कि जो प्रोडक्ट बहुत अच्छा एक तरह से सेल ला करके देते हैं उस महीने के अंदर या पिछले 8 से 10 दिन के अंदर, उनकी अलग कैटेगरी बनी हुई होती है। तो हॉट सेलिंग प्रोडक्ट के अंदर भी जो चीज़ें इसके अंदर दिख रही हैं वहाँ से भी आप प्रोडक्ट चूज कर सकते हैं। अलग अलग प्रोडक्ट आपको मिलेगा और उसका जो प्राइस होने वाला वो भी यहाँ पे आपको मिलेगा। और जब आप अपनी वेबसाइट पे लिस्ट करेंगे तो अपना प्रॉफिट जोड़ करके आपको अपनी वेबसाइट पे चीज़ों को लिस्ट करना है। तो यहाँ से आप देखेंगे और आपको जो भी अगर किसी पर्टिकुलर नीच में किसी पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर आपका स्टोर बना हुआ है तो वहाँ से भी आप अच्छे तरीके से चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं और यहाँ से प्रोडक्ट उसमें लिस्ट कर सकते हैं अपनी कैटेगरी के हिसाब से। तो यहाँ पर आप देखेंगे प्रोडक्ट आपको बहुत ज़्यादा मिलने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे किड्स में अगर आप जाएंगे तो किड्स में आपको इतनी सारी चीज़ें मिल रही हैं और अगर आप शुरू करें तो किड्स से करिएगा। किड्स में आप कोई भी प्रोडक्ट ले सकते हैं जो भी आपको यहाँ पे बेहतर लगे और ये जितने प्रोडक्ट दिख रहे हैं सभी के सभी किड्स से रिलेटेड ही आपको देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ से भी आप प्रोडक्ट चुन सकते हैं। और अगले तरीके की अगर बात करें तो अगला जो हमारा तरीका है वो सिंपल जो आप लोग फेसबुक यूज करते हैं उसका वो है। तो फेसबुक आपको अपना ओपन कर लेना है, आपके पास प्रोफाइल उसका होगा और जब उस पर स्क्रॉल करेंगे तो आपको बहुत सारे एडवर्टीजमेंट आते होंगे प्रोडक्ट से रिलेटेड। तो आपको क्या करना है, कोई भी अगर एडवर्टीजमेंट आ रहा है प्रोडक्ट से रिलेटेड तो उस पर आप क्लिक करिएगा, ड्रॉपशिपिंग प्रोडक्ट आपको अगर लग रहा है और क्लिक करिए। जब आप एक बार उसको देख लेते हैं तो फेसबुक बार बार आपको उसी टाइप के बहुत सारे ऐड दिखाएगा, तो वहाँ से भी आप प्रोडक्ट चूज कर सकते हैं। और भी बहुत सारे तरीके हैं। तो सिंपल आपको प्रोडक्ट रिसर्च करने के लिए दिन में 1 से 2 घंटे फेसबुक यूज करना है और यहाँ से जब आप यूज करेंगे तो आपको प्रोडक्ट मिल ही जाएगा। अभी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, फिलहाल में मैंने बहुत दिनों से प्रोडक्ट कोई रिसर्च नहीं किया है तो इसलिए यहाँ पे वो उस टाइप का एडवर्टीजमेंट आ नहीं रहा है, ठीक है। अलग अलग चीज़ें आ रही हैं लेकिन और भी तरीके हैं फेसबुक के अंदर ही, और भी तरीके हैं जिनसे हम प्रोडक्ट रिसर्च करेंगे बेहतर तरीके से। तो यहाँ पर आपको सर्च आइकन एक मिल रहा होगा, ठीक है, यहाँ पर आपको सर्च कर देना है ड्रॉपशिपिंग आप सर्च करिए, चाहे ड्रॉपशिपिंग प्रोडक्ट सर्च करिएगा तो उससे रिलेटेड बहुत सारे ग्रुप्स आ जाते हैं, ठीक है, बहुत सारे पोस्ट आपको मिल जाएंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ड्रॉपशिपिंग प्रोडक्ट के बारे में ही चीज़ें लिखी हुई हैं। तो यहाँ से प्रोडक्ट बहुत सारे मिलेंगे, तो आपको जो भी प्रोडक्ट मिलेगा यहाँ से सीधे ऐड क्रिएटिव भी आपको मिल जाएगा, तो उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा और वो प्रोडक्ट रिसर्च करके अपने सप्लायर के पास से इसको भी आप काफ़ी अच्छा सेल कर सकते हैं। यहाँ से अलग अलग ग्रुप हैं, आप इनको ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के बाद से वहाँ पे और भी बहुत सारे लोग हैं आपके तरह, बहुत सारे एक तरह से सप्लायर होंगे, बहुत सारे वेबसाइट बनाने वाले होंगे, ठीक है। तो उनसे भी उस यहाँ पे देखिए एक प्रोडक्ट ये भी काफ़ी अच्छा बिक रहा है और इसके बारे में यहाँ पे पूरा डिटेल से बताया जा रहा है। तो मतलब फेसबुक पे भी बहुत सारा चीज़ आप रिसर्च कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड, ड्रॉपशिपिंग स्टोर से रिलेटेड चीज़ें, अलग अलग प्रोडक्ट आपको मिलेंगे और वहाँ से भी आप चुन सकते हैं। तो दोस्तों ये इतने सारे फ्री तरीके हैं जिनसे आप प्रोडक्ट रिसर्च कर सकते हैं।